बेसिन की संधि 1802 का भारतीय इतिहास में महत्व। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 18वीं सदी के आते आते मराठा साम्राज्य की आंतरिक एकता छिन्न भिन्न हो गई और विकेंद्रीकरण की शक्ति प्रबल हो गई थी। जब मराठा संघ ऐसी बुरी स्थिति से गुजर रहा था तो वेलेजली जिया साम्राज्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने आते ही मराठों के ऊपर भी अपना साम्राज्यवादी चक्र चलाना शुरू किया। जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहा तब तक वह मराठों के पारस्परिक कलह और प्रतिस्पर्धा को रोकने में सफल रहा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों के बीच आपसी युद्ध शुरू हुआ। होलकर ने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को पूना के निकट पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। यह समझौता बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच समझौता बेसिन की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरे के साथ देने का वचन दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 6,000 सैनिक तथा तोपखाना दिए और बदले में पेशवा ने 26 लाख रुपए दिए। पेशवा ने यह भी वचन दिया कि बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के वह किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा और किसी दूसरे राज्य के साथ भी युद्ध संधि या पत्र व्यवहार नहीं करेगा। इस प्रकार बेसिन की संधि का भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा मराठों ने अपने सम्मान और स्वतंत्रता के अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, जिससे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। दूसरी ओर अंग्रेजों को पश्चिम भारत में पैर जमाने का एक अच्छा मौका मिल गया।